आज तो मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, क्योंकि आपके प्यार, आपके सहयोग, आपके आशीर्वाद से मुझे 29 वर्ष की आयु में आदमपुर में विधायक के रूप में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुलदीप जी ने आदमपुर की जनता का आदेश था कि यहाँ आए, उन्होंने स्वीकार किया। आदमपुर की जनता ने तो पूरे पलक पावड़े बिछा के पूरा आशीर्वाद दिया और हरियाणा की विधानसभा में भेजा। और इस भेजने के पीछे जो ताकत थी, भव्य को विधानसभा में भेजने के, इस भव्य जीत के पीछे जो ताकत थी, वो जो संघर्ष था, वो संघर्ष का नाम कुलदीप बिश्नोई है। लेकिन हलकों में बिहारी लाल बिश्नोई जैसा सशक्त, ईमानदार और बढ़िया नुमाइंदगी करता है। इनको हमेशा आपके इलाके के प्रति चिंतित देखा, जुनून है, जज्बा है कि मैंने नोखा विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत करना है, बहुत कुछ होना है। और अब आने वाला समय तो आप देख रहे, सरकार पलटेगी तो हमारा बीजेपी का राज बनेगा, और राज बनेगा तो बिहारी जी को मैं समझता हूँ मंत्री से कम तो रहने देंगे नहीं, हम भी साथ बैठे हैं इनके। और जब मंत्री बनेंगे आपके इलाके में विकास कार्य होंगे। एक बार पुनः बोलो गुरु जम्भेश्वर महाराज की। परम श्रद्धेय स्वामी राजेंद्रानंद जी और समस्त संत समाज के चरणों में सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं। परम सम्मानित मंच और हमारे समक्ष विराजे हुए मान और सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे नौजवान साथियों, आज जो आप सभी ने मुझे इतना लाड प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। आज आप सभी स्वामी जी का की कथा सुनने के उद्देश्य से आए हैं, तो मैं इनके और आपके बीच में बाधा नहीं बनना चाहूंगा, लंबा भाषण नहीं दूंगा। आज तो मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, क्योंकि आपके प्यार, आपके सहयोग, आपके आशीर्वाद से मुझे 29 वर्ष की आयु में आदमपुर में विधायक के रूप में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आगे भी अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखेंगे, ताकि मैं युग पुरुष बिश्नोई रतन स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की पच्चनों पर चलकर और बिश्नोई रतन चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष, ईमानदारी और मेहनत से सीख लेकर आदमपुर की सेवा कर सकूंगा, आप सभी की सेवा कर सकूंगा और आने वाले समय में हरियाणा प्रांत की भी सेवा कर सकूंगा। परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे अपने आशीर्वाद का हाथ, अपने स्नेह का हाथ आपके और आपके परिवार पर बनाए रखे, आपको खुशियां दे, तरक्की दे, स्वास्थ्य दे। एक बार पुनः जो मान सम्मान आशीर्वाद आपने मुझे दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बोलो गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद नौजवान साथी, भव्य के लिए जोरदार तालियां। आदरणीय कुलदीप जी को कहना चाहूंगा कि काकड़ा की चौपाल है, इस चौपाल ने, साधु संतों के आशीर्वाद ने, 36 बिरादरी के आशीर्वाद ने विधायक बनके सेवा करने का मौका दिया। और आज आपने यहाँ दाखिल होते हुए बोर्ड देखा होगा, एक और काकड़ा के जाए जन्मे साथी अशोक लाहौटी जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है जयपुर सांगानेर से, उन्होंने भी आपके लिए शुभकामना संदेश भेजा है, आपके स्वागत के लिए उनकी बात। अब मैं कुलदीप जी को बुलाना चाहूंगा, जिस तरह ये रोहिता खड़ा है आपके बीच में, ये अमेरिका में पढ़ने गया, पढ़ाने लग गया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लग गया, उसी तरह आप जिस तरह रोहिता आपके बीच में आ गया, गौसभा में लग गया, उसी तरह नौजवान साथी भव्य भी हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड सब जगह पढ़ के बहुत ही हाईली एजुकेटेड होके वहां भी लोगों ने खूब रोका, लेकिन कुलदीप जी ने आदमपुर की जनता का आदेश था कि यहाँ आए, उन्होंने स्वीकार किया। आदमपुर की जनता ने तो पूरे पलक पावड़े बिछा के पूरा आशीर्वाद दिया और हरियाणा की विधानसभा में भेजा। और इस भेजने के पीछे जो ताकत थी, भव्य को विधानसभा में भेजने के, इस भव्य जीत के पीछे जो ताकत थी, वो जो संघर्ष था, वो संघर्ष का नाम कुलदीप बिश्नोई है। उनका आग्रह करूंगा कि आए और 2 मिनट अपनी बात करें। आदरणीय कुलदीप जी। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो स्वामी रामानंद राजेंद्रानंद जी की।
मैं स्वामी राजेंद्र के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इनसे आशीर्वाद लेते हुए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार पे बना रहे। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। मैं बोलना नहीं चाहता था और मुझे बोलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आज ना तो आप कोई राजनीतिक बात सुनने के मूड में है, ना हम सुनाने के मूड में। आज हम सब एक महासंत, महान संत, महासंत श्री आदरणीय श्री राजेंद्रानंद जी के प्रवचन सुनने यहाँ पर पधारे हैं। इनके दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मैं दावा करता हूँ, मेरा खुद का तजुर्बा है। मैं बहुत बुरे वक्त से एक बार दौर से गुजर रहा था और एक ऐसी सत्संग में या फतेहबाद शायद गुरु जी आए हुए थे, तो उनसे मैंने चरणों से आशीर्वाद लिया। उस दिन ही मेरे दिन फेर गए, सारे बढ़िया दिन आने शुरू हो गए मेरे। तो आज इनके इतने आप कथा आज ही कर रहे हैं, कई दिन से चल रही है जी? बस कल को लास्ट है, आज पांच दिन हो गए। अब पांच दिन हो गए, मैंने तो सिर्फ एक बार आशीर्वाद दिया, पांच दिनों से आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कष्ट आपका बाकी बीच में रहेगा। इनका आशीर्वाद मात्र, इनके साथ मंच पे आना या इनके दर्शन मात्र से ही मैं समझता हूँ परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा नहीं रहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गुरुजी का, इन्होंने हमें यहाँ बुलाकर हमें आशीर्वाद दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई बिहारी जी का, जिन्होंने मुझे ये माइक दिया। बिहारी जी, मैं समझता हूँ बहुत कम ऐसे हल्के होते हैं, जिन हल्कों में बिहारी लाल बिश्नोई जैसा सशक्त, ईमानदार और बढ़िया नुमाइंदगी करता है। इनको हमेशा आपके इलाके के प्रति चिंतित देखा, जुनून है, जज्बा है कि मैंने नोखा विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत करना है, बहुत कुछ होना है। और अब आने वाला समय तो आप देख रहे, सरकार पलटेगी तो हमारा बीजेपी का राज बनेगा, और राज बनेगा तो बिहारी जी को मैं समझता हूँ मंत्री से कम तो रहने देंगे नहीं, हम भी साथ बैठे इनके। और जब मंत्री बनेंगे आपके इलाके में विकास कार्य होंगे। एक बार पुनः आप सब ने जो अजीत भव्य बिश्नोई को यहाँ पे आशीर्वाद दिया, आपका आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद अपेक्षा प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में भी जिस प्रकार आपने युग पुरुष बिश्नोई रतन चौधरी भजनलाल जी को हमेशा आशीर्वाद दिया, वैसे आशीर्वाद आप उनके पोते भव्य बिश्नोई को भी देते रहेंगे। एक बार पुनः मैं महान संत जिनके आशीर्वाद मात्र से सारे कष्ट दूर होते हैं, आदरणीय राजेंद्रानंद जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। जोरदार ताली आदरणीय कुलदीप जी के लिए। नीचे से मन से पर्चे आ रही है बहन बेटियों की तरफ से कि रेणुका जी भी बोले। महेंद्र ने जाके पूछ लिया। अब मैंने पहले आपको कहा कि हांसी से विधायक थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये हांसी की विधायक झांसी की रानी से कम नहीं है। और झांसी की रानी ने बोला कब? बोला ही नहीं। उनकी तो तलवार ही रणभूमि में दिखती थी, उनकी तलवार ही चलती थी, इसलिए उनकी उसी में सारी बातें आ गई। अब तो मंच का आदेश है, नीचे से भी आदेश है कि यार हमारे अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी 2 मिनट अपनी बात कहें। देवेंद्र के नाम में इंद्र है, बरसात का मौसम तो नहीं लेकिन फिर भी आपकी तालियों से बरस सकते हैं आदरणीय देवेंद्र जी।